स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले थे आज आपको, काफी टाइम बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्यों, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम के बाद। यहाँ पर जो रेशियो चैप्टर है ये काफी चैप्टर्स को आपको रिलेट भी करके देता है, जैसे परसेंटेज के जितने भी चैप्टर है ना वहां पर आप लोग रेशियो का यूज करते हो, सीआई और एसआई का आपका चैप्टर रहता है वहां पर यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बेस को यूज करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर चैप्टर में। अब जब वर्क एंड टाइम पढ़ोगे वहां पर भी इसका यूज मिलेगा आपको, मिस्टर एंड एलिगेशन पढ़ोगे वहां पर भी इसका यूज मिलेगा, ठीक है। तो रेशियो का होता है तो इसी से स्टार्ट करते हैं। रेशियो का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो मैथ में देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका सोशल लाइफ से हम लिंक करते हैं, उसको हम किस तरीके से सोशल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे बच्चों को कहना रहता है कि इस चीज को हम लोग रियल लाइफ में यूज नहीं करते तो इसका क्या यूज है, पर्पस है ना, हर चीज का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो को हम लोग कैसे यूज करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। जब हम लोगों को दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है तो मोस्टली हम लोग वहां पर कई तरीके इस्तेमाल करते हैं और उनमें से जो सबसे बेहतरीन है वो आपका क्या है, रेशियो अप्रोच है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपके पास दो ट्रेन है, एक है आपकी ट्रेन ए और एक ट्रेन बी। ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 100 kmph है, यानी कि वो एक घंटे में कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है, 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है। जो बी ट्रेन है वो एक घंटे में 25 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यानी कि ट्रेन बी की जो रफ्तार है, स्पीड है वो कितनी है, 25 kmph है, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दे रहे हैं कि अगर मैं इसमें दोनों में कंपेयर करूं तो क्या बोलूंगा, जो ट्रेन ए है वो 75 kmph स्पीड ज्यादा रखती है ट्रेन ए के कंपेयर में, है ना। ये जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए की स्पीड जो है वो मोर है कितना, 75 kmph टू ट्रेन बी, यानी ट्रेन बी से ट्रेन ए की स्पीड जो है वो 75 kmph जा रहा है। तो ये जो यहां पर हम लोगों ने कंपेयर किया है दोनों ट्रेनों की स्पीड का, ये क्या है आपका, डिफरेंस अप्रोच है। हमने क्या निकाला है यहां पर, दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस निकाला है। और किस तरीके से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कंपेयर कर सकते हैं, कि अगर मैं इसको 100% मान लू तो जो ट्रेन ए है वो कितना है, 400% है, कितना है, 400%, क्लियर। अगर इसको मैं 100% मान लू फिर ये कितना है, 25% है, क्लियर। तो यहां पर देखो रेशियो का यूज कैसे होता है, रेशियो ये बताता है कि इसमें से एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितनी है। क्वांटिटी वन क्वांटिटी इज कॉन्टेंट इन अनदर क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स, है ना, यानी कि कितने टाइम्स है। अगर हम बात करें कि जो ट्रेन ए की रफ्तार है वो ट्रेन बी की रफ्तार से कितने गुना ज्यादा है, तो कितने गुना ज्यादा है यहां पर, चार गुना ज्यादा है। निकालते देखो कैसे है, ट्रेन ए की स्पीड और ट्रेन बी की स्पीड को हम लोग ऐसे डिवीजन अप्रोच में लिख लेते हैं, ट्रेन ए ट्रेन बी ये 100 हो गया और ये 25 हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 25 चुको 100 कितना आ गया, 4:1 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन ए की स्पीड है वो ट्रेन बी के कंपेयर में कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ट्रेन ए की स्पीड ट्रेन बी की स्पीड के कंपेयर में कितने है, 4 टाइम्स है। अगर यहां पर ट्रेन बी की स्पीड मैं 10 kmph बोलू, ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, 10 kmph, और मैं बोलूं कि जो ट्रेन ए है वो 4 टाइम्स है, तो ट्रेन ए की स्पीड क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। तो रेशियो ये बताता है कि इसमें एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितने गुना है, ठीक है। कम ज्यादा का भी रेशियो बताती है, लेकिन यहां पर भी सिर्फ दो क्वांटिटीज में कंपेयर देता है, ठीक है।
ये चीज आई समझ में। अब अगर हम बात करें यहां पर ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर है और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर है। अब हम ये निकाल रहे हैं कि जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी से कितने गुना ज्यादा या कम स्पीड रखती है, ठीक है। तो जो ट्रेन ए की स्पीड है, जिस ट्रेन ए का निकाल है तो ट्रेन ए को ऊपर रखेंगे, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं कि हम ट्रेन ए की स्पीड निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन बी के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 75 और ट्रेन बी की स्पीड है 50। 25 के 75, 25 दोनों 50, यानी कि जो ट्रेन ए की स्पीड है वो बी के रिस्पेक्ट में कितने गुना ज्यादा है, 3/2 गुना ज्यादा नहीं, 3/2 गुना। ट्रेन ए की जो स्पीड है ट्रेन बी की स्पीड का कितना है, 3/2 है। अगर हमको ये भी निकालना हो कि जो ट्रेन बी की स्पीड है वो ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में कितना है, तो ट्रेन बी के लिए निकालेंगे तो इस बार स्पीड किसके ऊपर रखेंगे, ट्रेन बी जिसका निकाल रहे हैं उसको हमेशा ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ये है ट्रेन ए, भाई ट्रेन बी की स्पीड है 50, ट्रेन ए की है 75, 25 × 50, 25 × 75, यानी कि जो ट्रेन बी की स्पीड है वो ए का कितना है, 2/3 है। अगर मैं कह दूं ए की स्पीड 75 kmph है तो बी का देखो कितना होगा, बी का स्पीड क्या होगा, ए का 2/3, तो 2/3 कर लेते हैं यहां पर, उसको काट लेते कितना हो जाएगा, 3×6 = 25 × 50 ठीक है। अगर यहां पर मैं बोलूं कि ट्रेन ए की जो स्पीड है ट्रेन बी की स्पीड का 3/2 है और ट्रेन बी की स्पीड में बता दूं कि यहां पर 20 kmph है, ट्रेन बी की स्पीड क्या है भाई, 20 kmph है, तो ट्रेन ए की स्पीड क्या होगी, तो ट्रेन ए की स्पीड जो है बी का कितने गुना है, 3/2 निकाल दी, कितना आ गया यहां पर, 30 kmph। आई बात समझ में। यहां पर देखो जिस भी अमाउंट को हम निकाल रहे होते हैं उसको हमेशा ऊपर रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। हटा दें इसे, तो रेशियो का यूज जो है कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और ऐसा नहीं कि यहां पर ये सिर्फ दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालेगा, फर्स्ट क्वांटिटी को ये भी निकालेगा कि कितना कम या कितना ज्यादा है। जैसे कि यहां पर हम बात करें राम के टोटल मार्क्स है 125, ठीक है, और श्याम के जो टोटल मार्क्स है वो है 50, देन राम कितने मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं, 125, और श्याम कितने अटेम्प्ट करते हैं, 50 मार्क्स। तो यहां पर देखो पहली चीज तो मैं ये निकाल सकता हूं कि जो राम के मार्क्स है वो श्याम के मार्क्स के कितने कितने गुना है ना, तो हम यहां पर राम का निकाल रहे हैं तो राम को ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, श्याम को नीचे रखेंगे। राम का कितना है भाई, 125 है और श्याम का 50 है, फिनिश कर लेते हैं, 25 × 50, 25×5 = 125, यानी कि जो राम के नंबर है वो श्याम के नंबर के कितने हैं, 5/2 गुना, ठीक है। यहां पर डायरेक्ट हम लोग पहली क्वांटिटी को निकाल रहे हैं दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि राम के जो नंबर है वो कितने गुना ज्यादा है श्याम के नंबर से, ध्यान देना इसमें मैं ये बता रहा हूं कि जो राम के नंबर है वो श्याम के नंबर के कितने गुना है, और यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि जो राम के नंबर है वो श्याम के नंबर से कितने गुना ज्यादा है, समझ में आ रही बात। तो यहां पर देखो अब ज्यादा की बात हो रही है, राम कितना ज्यादा है तो हम रखेंगे ऊपर जो क्वांटिटी उसकी दूसरी वाली क्वांटिटी से ग्रेटर है, तो श्याम से राम के नंबर कितने ज्यादा है, 75 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 75 ज्यादा है, और श्याम के नंबर कितने हैं, श्याम के नंबर है 50। यहां पर ध्यान देना जब भी कम या ज्यादा की बात हो रही होगी तो वहां पर भी हम देखते हैं कि ज्यादा है तो किससे ज्यादा है, उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं कि अगर राम के नंबर ज्यादा है तो किससे ज्यादा होगा, श्याम से ज्यादा होगा, अगर श्याम के नंबर कम है तो किससे कम होगा,
राम से कम, ठीक है। तो कम और ज्यादा का भी हम रेशियो निकाल सकते हैं कि कितने गुना कम है कितने गुना ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो राम के नंबर है कितने गुना ज्यादा है, 25 × 75, 25 × 2, 53/2 गुना ज्यादा है, मतलब डेढ़ गुना ज्यादा है। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूं यहां पर जो श्याम के नंबर है वो राम से कितने गुना कम है, तो भाई अगर श्याम के कम है तो किससे कम होगी, राम के। हमेशा उस वैल्यू को नीचे रखा जाता है जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे होते हैं गुणों को, ठीक है। राम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि श्याम कितना कम है, तो यहां पर श्याम पहले देखो कितना कम है, तो श्याम कितना कम है भाई, 125 से 50 कितना कम है, 75 कम है। किससे कम है, राम से। राम की क्वांटिटी कितनी है, 125, 25 × 75, 25 × 25, 125, यानी कि जो श्याम है वो राम से कितने गुना कम है, 3/5 गुना कम है, 3/5 गुना। ये आ रहा है समझ में? तो रेशियो का यूज हमेशा कंपेयर करने में किया जाता है दो क्वांटिटीज को, ठीक है। ये हमेशा ये बताता है कि इन दोनों में से पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितनी है या कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। हटा दूं मैं इसे, हम बात करते हैं रेशियो के नोटेशन की, ठीक है, नोटेशन और इसकी टर्मिनोलॉजी। कैसे रेशियो को नोट किया जाता है और कैसे उसको हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप दो क्वांटिटीज का रेशियो निकाल दो, अमाउंट ए और अमाउंट बी का रेशियो निकाल दो, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे कि अगर इनका रेशियो 2:3 का है तो आप इस तरीके से इसको नोट करोगे, ठीक है। इसको पढ़ा कैसे जाता है कि यहां पर जो ए है वो बी का कितने गुना है, 2/3 गुना, कितने गुना है, 2/3 गुना, यानी कि अगर बी 3 है तो ए कितना है, 2 है। अगर बी 3 है तो ए कितना है, 2 है। तो इसको पढ़ते कैसे है, ए इज टू बी इक्वल टू 2:3, यानी कि जो ए है वो बी का 2/3 है, या अगर b 3 है तो a कितना है, 2 है। आई बात समझ में? पढ़ेंगे कैसे इसको, दैट a इज टू b इक्वल्स टू 2:3, a इज टू b इक्वल्स टू 2:3, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। यहां पर देखो जो इसका फर्स्ट टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, एंसिडेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, एंसिडेंट बोलते हैं, और बाकी टर्म्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी को मैं भाग में लिखता हूं दैट ए डिवाइडेड बाय बी, तो इसको मैं किस तरीके से लिखता हूं, 2/3 इस तरीके से लिखता, तब यहां पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि रेशियो का जो एंसिडेंट होता है वो फ्रैक्शन का क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। रेशियो का एंसिडेंट ये फ्रैक्शनल फॉर्म है एक ही चीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेशियो फॉर्म, और इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म। भाई ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है और ये रेशियो के रूप में लिखा है। जब हम लोग इसको रेशियो में प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बोलेंगे, ए एच टू बी इक्वल टू 2:3, और जब इसमें प्रोनाउंस करना होगा तो a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 2/3। यहां पर देखो रेशियो फॉर्म में जो एंसिडेंट होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म का क्या होता है, न्यूमरेटर, यानी कि एंसिडेंट को आप न्यूमरेटर भी बोल सकते हो, कॉन्सिक्वेंट को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो ये होती है इसकी टर्मिनोलॉजी। अगर आप इसको डिविजन फॉर्म में लिखते हो तो कैसे लिखते, That a divided by b equals to
टू डिवाइडेड बाय थ्री। तो ये तीनों चीजें एक ही है, बस इनके फॉर्मेट अलग अलग है, ठीक है। उसको रेशियो फॉर्म में लिखा गया, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया और इसको डिवीजन फॉर्म में लिखा गया। क्लियर? तो रेशियो की टर्मिनोलॉजी समझ में आए। अब यहां पर हम बात करते हैं रेशियो में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर किसी भी रेशियो में आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है ए इज टू बी इक्वल टू 5:7, ठीक है। और मैं यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहा हूं, रेशियो में क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमेशा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंसिडेंट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो एंसिडेंट क्या है आपका 5 है, 5 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 7 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इनको देखो भाई, फिर से अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 5 × 2 / 7 × 2। तो 2 से 2 फिनिश हो जा रहा है ना, रेशियो तो वही सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप रेशियो में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हो तो रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है, रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप इसमें डिवाइड कर दो किसी नंबर से, दैट 5:7 है, मैं इसको 5:5 से डिवाइड कर दू या 3:3 से डिवाइड कर दू, जैसे कि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, डिवाइडेड बाय 3। तो किसी एक टर्म में आप नहीं कर सकते, करना पड़ेगा तो दोनों टर्म में करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 5 को भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा और 7 को भी 3 से डिवाइड करूंगा, तब भी क्या वैल्यू सेम रहेगी। तो देखो यहां पर भाई 5/3 है और इसको डिवाइड किया गया 7/3 से, तो कुछ इस तरीके से करते हैं नंबर डिवीजन में। ये क्या हो जाएगा भाई 5 × 3 और भाई 3 × 7 फिनिश हो गया, तो फिर से 5/7 नहीं आ रहे। यानी कि डिवीजन में, सॉरी रेशियो में अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हो तब भी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जब भी आप रेशियो पढ़ रहे होंगे, उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे होंगे, तब आप अपनी सुविधा के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। क्या यही सब्सट्रैक्शन और एडिशन में भी लागू हो सकता है? सब्सट्रैक्शन और एडिशन में भी सेम चीज लागू हो सकती है, देख लेते। अब यहां पर देखो A is to B equals to 5:7, ठीक है। अब मैं इसमें 2 ऐड करता हूं, 2 एडेड इन बोथ टर्म्स, ये क्या हो जाएगा A is to B, अब क्या हो जाएगा 5 + 2 = 7 + 2। तो देखो ये कितना हो गया 7/9 हो गया, अब क्या 5/7 रहा हो, रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप रेशियो के एप्लीकेशंस पढ़ोगे तो वहां पर ये चीज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप रेशियो के टर्म्स में इक्वल टर्म्स ना आप ऐड कर सकते हो ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब सब्सट्रैक्ट करोगे तब भी क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो जब भी हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो हम सेम टर्म्स से ऐड या सेम टर्म्स से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हाँ लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वो सेम रहेगा और ये आप कर सकते हो, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रेशियो पर। अब कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, है ना। और दूसरी चीज यहां पर आती है एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू, है ना। एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू की अगर मैं बात करूं, जैसे लिखा हुआ है ए इज टू बी इक्वल्स टू 2:3,
तो इसका मतलब क्या है कि अगर बी तीन है तब ए कितना होगा? दो। लेकिन कब? जब बी का वैल्यू कितना होगा? तीन होगा। या दोनों का वैल्यू मिला करके जब पांच होगा तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन में ए को दो मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? तीन मिलेगा। जब टोटल वैल्यू पांच होगा तब बंटवारे में ए को कितना मिलेगा? दो और बी को तीन। रेशियो कभी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता रहा। अगर यहां पर हम बात करें कि दो भाई हैं ए और बी, ठीक है, दोनों में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है जिसमें ए को दो हिस्से मिले और बी को तीन हिस्से मिले, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ए को दो बीघा जमीन मिली है, बी को तीन बीघा जमीन मिली है। रेशियो हमेशा क्या बताता है? ये बताता है कि पहली वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से कितने गुना है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू को बताता है, ठीक है। अगर यहां पर मैं बात करूं कि दोनों भाइयों को जो है 20 बीघा जमीन मिली है, कितने बीघा जमीन मिली है? 20 बीघा जमीन मिली है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ए को दो यूनिट मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? तीन यूनिट मिलेगा। अब देखो एक ही चीज से मल्टीप्लाई करा है हमने, पहले टर्म में भी यू से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे टर्म में भी यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आप कर सकते हो, ये वैलिड है, ये लीगल है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों को मिला करके कितना मिला भैया? पांच यूनिट मिला, और पांच यूनिट का मीनिंग क्या है यहां पर? 20 बीघा है, दोनों भाइयों को मिला करके 20 बीघा जमीन मिली, यानी कि पांच यूनिट का मीनिंग क्या है? 20 बीघा है, तो कितना हो गया? पांचों को 20, यानी कि एक यूनिट का मतलब क्या हो रहा है? चार बीघा हो रहा है। तो अब एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो यू की हेल्प से, यानी कि ए को कितना मिल रहा है? दो यूनिट मिल रहा है बंटवारे में, तो कितना मिलेगा? आठ बीघा इसको मिलेगा। बी को कितना मिल रहा है? तीन यूनिट मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा? बारह बीघा मिलेगा। तो ये रेशियो जो रहता है कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू को एक्सप्रेस नहीं करता है। ये किसको एक्सप्रेस करता है? कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो सेकेंड क्वांटिटी के कितने टाइम्स है, कितने गुना है, ठीक है। सिर्फ तुलनात्मक वैल्यू बताता है, ये हमेशा एक्चुअल वैल्यू को नहीं बताता है, वास्तविक मान को ना बता करके क्या बताता है? तुलनात्मक मान को बताता है, कंपेरेटिव वैल्यू को बताता है, ना कि एक्चुअल वैल्यू को, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां पर कि दोनों को मिला करके 100 बीघा जमीन मिली है, यानी कि दोनों की जमीन में कितने की जमीन का बंटवारा था? 100 बीघा जमीन का बंटवारा था, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो पांच यूनिट है कितने के बराबर है? 100 बीघा के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 बीघा। अब यहां पर देखो, यानी कि जो भाई ए है, ए को कितना मिल रहा है? एक यूनिट मिल रहा है, दो यूनिट मिल रहा है ना, तो इसकी जमीन कितनी हो जाएगी? 40 बीघा हो जाएगी, और बी की जमीन कितनी हो जाएगी? 60 बीघा हो जाएगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना दोनों की, एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो रही है? 40 बीघा और 60 बीघा। आई बात समझ में? कि रेशियो को कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं मानना है। अगर वहां पर कोई भी टर्मिनोलॉजी दी गई है आपको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, तभी आप निकालेंगे, नहीं तो इसको आप क्या मानेंगे? सिर्फ कंपैरेटिव वैल्यू मानते चलेंगे कि ए को जो है दो मिल रहा है, अगर बी को तीन मिलेगा तब, लेकिन अगर बी को छह मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा? चार मिलेगा। समझ रहे ना आप? अगर यहां पर ध्यान दो, ए और बी में जो बंटवारा हुआ है वो दो रेशियो तीन का हुआ है, ठीक है, ए और बी में जो बंटवारा हुआ है वो दो रेशियो तीन का हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको दो यूनिट मान लोगे और इसको तीन यूनिट मान लोगे। अब बता रहे हैं कि जो बी को जमीन मिली है उसका वैल्यू कितना है? 6 बीघा है। कितना वैल्यू? 6 बीघा। यानी कि बी का यहां पर बंटवारे में कितना यूनिट मिला है? तीन यूनिट मिला है। तो तीन यूनिट का मतलब क्या हो रहा है? 6 बीघा हो रहा है। तो इस हिसाब से भाई ए को कितना मिलना चाहिए? दो यूनिट उसको मिलना चाहिए। अब तीन यूनिट का मतलब है 6 बीघा, तो इसका मतलब एक यूनिट का मतलब क्या है? दो बीघा। दो बीघा, चार। तो इस हिसाब से ए को कितना मिलना चाहिए? चार बीघा मिलना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर मैं बोलूं बी को 15 बीघा मिल रहा है और दोनों का बंटवारा दो रेशियो तीन का, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर तीन यूनिट का मतलब क्या है? 15 बीघा है, तो तीन बच्चे कितना हो गया? 15। एक यूनिट का मान कितना हो गया? 5 बीघा। अब एक यूनिट का मान 5 बीघा है, तो ए को कितना मिलेगा? 10।
10 बी का मिलेगा। तो यहां पर देखो इन डाटा में से टोटल या ए का या बी का तीनों में से किसी एक का जब टोटल दिया जाता है तब आप एक्चुअल वैल्यू को निकालते हो, ठीक है। दोनों का मिला के दे दिया जाए कि कितना है, किसी एक का दे दिया जाए, ए का दे दिया जाए या बी का दे दिया जाए, तो यहां पर जरूरी होता है एक यूनिट का वैल्यू निकालना, और फिर उस एक यूनिट की हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो कि ए को कितना कम मिला है, बी को कितना ज्यादा मिला है, ये सारी चीजें भी आप निकाल सकते हो। इसके लिए यूनिट का वैल्यू पता होना चाहिए आपको। आई बात समझ में कि रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो सिर्फ कंपैरेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर देखो रेशियो जो रहता है आपका दो टाइप का होता है ना, रेशियो दो टाइप का होता है। एक को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस रेशियो बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस रेशियो। होमोजीनियस रेशियो और हेट्रोजीनियस रेशियो। तो यहां पर देखो हमको सिर्फ होमोजीनियस रेशियो को ही पढ़ रहा है, लेकिन हम लोग हेट्रोजीनियस रेशियो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि होमोजीनियस रेशियो जो रहता है ये हमेशा रेशियो के लिए दो क्वांटिटी जरूर होनी चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, ठीक है भाई। तुलना करने के लिए दो क्वांटिटी जरूर होनी चाहिए, आप एक ही में तुलना कैसे कर सकते हो कि कम है कि ज्यादा है, ठीक है। तो रेशियो के लिए हमेशा क्या चाहिए आपको, दो क्वांटिटी चाहिए कम से कम। अगर वो दो क्वांटिटी क्या है सेम, तो ऐसे में आप उसको क्या बोलोगे, होमोजीनियस रेशियो बोलोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि ए की जो स्पीड है वो है 75 के एमपीएच, कितनी है 75 के एमपीएच, तो बी की भी क्या होनी चाहिए, स्पीड ही होनी चाहिए, यानी कि बी का वजन ले लो, क्वांटिटी दोनों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अगर आपने पहली क्वांटिटी स्पीड की ली है तो दूसरी क्वांटिटी भी किसकी होनी चाहिए, स्पीड की होनी चाहिए, तभी आप उसको होमोजीनियस रेशियो बोल सकते हो। इसका मैंने ले लिया 25 के एमपीएच, अब आप इसका रेशियो निकाल सकते हो कि जो ए की स्पीड है वो बी की स्पीड का कितना गुना है भाई, तीन रेशियो दो, सॉरी तीन रेशियो एक। स्पीड ऑफ ए इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ बी, ठीक है, यानी कि बी की स्पीड का ए की स्पीड कितने गुना है, 3 गुना है, ठीक है। यहां पर देखो जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो जो यूनिट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, यूनिट्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसे में होमोजीनियस जो रेशियो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, कुछ नहीं होती है, होमोजीनियस रेशियो की यूनिट नल होती है, मतलब इसमें कोई भी यूनिट निकल के नहीं आता है, हमेशा यूनिट वाले चीजें क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोलूं दैट ए जो है वो 5 घंटे काम करता है, ए 5 घंटे काम करता है, तो बी का भी आपको टाइम लेना पड़ेगा, ये नहीं कि बी को बोलो 4 बीघे में काम करता है। जो आप फर्स्ट क्वांटिटी ले रहे हो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप बी को ले लो दैट ये जो है 45 मिनट काम करता है, ये 45 मिनट काम करता है, ठीक है। अब क्वांटिटी तो सेम है लेकिन यूनिट चेंज है, एक आवर है दूसरा किसमें मिनट में। तो जब भी आप रेशियो निकालोगे अगर क्वांटिटी सेम है तो यूनिट भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, यूनिट भी क्या करना पड़ेगा आपको, सेम करना पड़ेगा। अगर आप ए इज टू बी यहां पर निकालो तो आप इसको 5:45 नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये आवर में है और ये किसमें मिनट में। अगर क्वांटिटी सेम है तो फिर क्या सेम करना पड़ता है, यूनिट को सेम करना पड़ता है। 5 आवर का मतलब क्या है भाई, 5 into 60 मिनट, यानी कि ए जो है वो 300 मिनट काम कर रहा है और बी 45 मिनट। तो जब रेशियो निकालोगे तो इसको 5 नहीं लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 300 और इसको 45। अब ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया तो यूनिट क्या आ गई, नल आ गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके रेशियो निकाल सकते हो, 15 गुना
30 हो गया और 15 तीन 45 हो गया, यानी ए और बी का रेशियो क्या है 20:3। तो होमोजीनियस रेशियो होता है हमेशा दो सेम क्वांटिटीज के लिए रहता है जिनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर करना पड़ता है। अगर एक मीटर में तो दूसरा भी मीटर में होना चाहिए, यानी कि दूसरे को आप किलोमीटर में ले लो, ठीक है। दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और सेम यूनिट भी होनी चाहिए, तब आप उसको क्या बोलोगे, होमोजीनियस रेशियो। जैसे कि यहां पर मैं बोलूं वन डे का 8 आवर से रेशियो निकालिए, वन डे का 8 आवर से रेशियो निकालिए, तो यहां पर देखो दोनों जो क्वांटिटी है वो सेम है, दोनों टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, दिन भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इनकी जो यूनिट है वो सेम नहीं है, एक की डे है दूसरी की क्या है आवर है। तो डे को भी आप इसमें कन्वर्ट करोगे, आवर में कन्वर्ट करोगे, तो वन डे का मीनिंग क्या हो जाएगा 24 आवर और 8 आवर का रेशियो आप निकालोगे, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8 8 3 24, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। तो क्या कोई यूनिट निकल के आ रही है, नहीं, यूनिट हमेशा क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अगर होमोजीनियस रेशियो है तब ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं हेटरोजीनियस रेशियो की, तो हेटरोजीनियस रेशियो भी क्या होता है, ये डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए होते हैं, सेम क्वांटिटीज के लिए जैसे वैसे ही ये डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि जो ए की स्पीड है, ए की यहां पे ले लेते हैं एक कार जो है, कार ए वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और एक कार बी है या कार ए ही, कार ए ही ये डिस्टेंस जो है वो 5 घंटे में ट्रेवल करती है। कार ए की जो स्पीड है वो कितनी है 300 किलोमीटर है, और जो टाइम ये लेता है वो कितना है 5 घंटे। अगर यहां पर हम लोग डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं तो दोनों क्वांटिटी क्या है अलग अलग, एक डिस्टेंस है तो दूसरी क्या है टाइम, या तो दोनों डिस्टेंस होते तो ये होमोजीनियस रेशियो होता, या तो दोनों क्या होते टाइम होते तब ये होमोजीनियस होता। अब जब यहां पर आप निकालोगे इसका रेशियो तो 300 के लिए क्या यूज करोगे किलोमीटर यूज करोगे, और 5 के लिए क्या यूज करोगे आवर यूज करोगे, तो क्या ये कभी कैंसिल होगा 5 मतलब किलोमीटर और आवर कभी कैंसिल होगा नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू कैंसिल हो सकती है भाई, 5 5 5 6 30 है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आपने कैंसिल कर दिया तो आप क्या बोलोगे 60 किलोमीटर, और रेशियो का मतलब क्या होता है पर आवर, तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, या डिवीजन का साइन लगा दो, तो यहां पर देखो जो यूनिट है वो कैंसिल नहीं हो रही, यूनिट कभी कैंसिल नहीं होती किसमें हेटरोजीनियस रेशियो, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर एक कार है जो 60 मीटर ट्रेवल करता है और इसकी जो टाइमिंग है 60 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए वो 5 आवर है, डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर है और टाइम कितनी है, टाइम है मिनट ले लो है ना, मिनट या आवर कुछ भी ले लो रिसेंट ले लो ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी स्पीड की, तो स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। तो यहां पर देखो दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका क्या यूनिट कैंसिल होगा, यूनिट कैंसिल नहीं होगा। तो यहां पर देखो डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे 60 मीटर और टाइम के लिए 5 मिनट, तो 5 5 5 5 5 5 2 10 है ना, तो कितना हो जाएगा 12
और यहाँ पर तो वन है, 12 मीटर ट्रेवल कर रहा है पर 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितना ट्रेवल कर रहा है 12 मीटर। तो आप क्या बोलोगे 12 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर देखो जो यूनिट है वो निकल के आती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर मिनट। ये चीज आई समझ में? Yes. कि हेट्रोजीनियस रेशियो जो रहता है हमेशा डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए रहता है, और यही होमोजीनियस सिमिलर क्वांटिटीज के लिए रहता है। होमोजीनियस की कोई यूनिट नहीं होती है, हेट्रोजीनियस की अपनी यूनिट होती है, और वो डिपेंड करता है कि एसिडेंट क्या है और कंसिक्वेंट क्या है, है ना। अगर यहां पर ये किलोग्राम में होता और ये आवर में होता तो किलोग्राम पर आवर निकलता है यूनिट, किलोग्राम पर आवर निकलता। अगर ये एम्पियर में होता ये आवर में होता तो क्या निकलता, एम्पियर पर आवर निकलता यूनिट। तो हेट्रोजीनियस में जो यूनिट है वो अलग अलग हो सकती है, जो कि डिपेंड करता है इंसिडेंट क्वांटिटी पे और कॉन्सिक्वेंट क्वांटिटी पे, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, ये तो हो गए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं लोग रियल चैप्टर पे। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो होता है रेशियो कन्वर्जन का, ठीक है। रेशियो कन्वर्जन में आपको रेशियो देगा, वो सिंपल रेशियो भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रेशियो भी हो सकता है, ठीक है, और उसको आपको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल को भी सिंपल में कन्वर्ट करना होगा, कॉम्प्लेक्स रेशियो को भी सिंपल में कन्वर्ट करना होगा, फ्रैक्शनल रेशियो को भी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो कन्वर्जन से क्वेश्चन बनते हैं, छोटे एग्जाम्स में बनते हैं, बड़े एग्जाम्स में बनते हैं, और ये चीज आप आगे के चैप्टर्स में भी ढेर सारे यूज करोगे इसको। अभी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सीआईडीआई इन सब में भी आप इसका यूज करोगे। इंक फिनिश हो गई है। रेशियो टू रेशियो कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है सिंपल रेशियो से सिंपल रेशियो कन्वर्जन, सिंपल रेशियो से सिंपल रेशियो में ही कन्वर्ट करना। अब सोच रहे हो सिंपल पहले से तो उसको सिंपल में क्यों कन्वर्ट करना है ना। देखो सिंपल रेशियो दो तीन क्वांटिटी का डिफरेंट अलग अलग दिया जाएगा, लेकिन उसको आपको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। दो तीन रेशियो को आपको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहां पर मैं बोलूं दैट ए इज टू बी कितना है भाई आपका 2:3 है, ठीक है, और यहीं पर बी इज टू सी क्या है आपका 6:5 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो है ये दोनों सिंपल रेशियो, कन्वर्ट भी इनको सिंपल रेशियो में करना है, लेकिन दो सिंपल रेशियो को सिंगल सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन आपके यही बनते हैं। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि ए इज टू बी कितना है 2:3 है, और बी इज टू सी कितना है 6:5 है, या 6:5 है, ठीक है। तो यहां पर एक क्वांटिटी है जो दोनों में सेम है बी, भाई क्या कह रहा है कि जब ए को 2 मिलता है तो बी को कितना मिलता है 3 मिलता है, लेकिन जब बी को 6 मिलता है तो सी को कितना मिलता है 5 मिलता है। तो अगर तीनों को देखना है तो कॉमन वाले बंधे को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि बी को जब 1 मिलता है तो ए को कितना मिलता है और सी को कितना मिलता है, तभी आपको सिंगल रेशियो कन्वर्जन क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पर जो सेम वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहां पर देखो जब भी कन्वर्ट करोगे तो इसके एलसीएम से ही कन्वर्ट करोगे। यहां पर बी का वैल्यू क्या है, यहां पर बी क्या है कॉन्सिक्वेंट है, यहां पर बी क्या है कॉन्सिक्वेंट है, और यहां पर बी क्या है एंसिडेंट है, यानी कि यहां पर बी का मान 3 है और यहां पर 6 है। तो कैसे इक्वल करोगे, एलसीएम लेके इक्वल करोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो रहा है 6 हो रहा है। अब अगर 3 को 6 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बताया था किसी एक में नहीं कर सकते, करोगे तो एंसिडेंट में भी करना पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंट में भी करना पड़ेगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
चार हो जाएगा, पहला वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, दो दुनो चार, और दूसरा वाला दो तीनों छह, तो क्या हो गया फोर रेशियो सिक्स हो गया। अब इसमें देखो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप चाहो तो वन से कर लो ठीक है, या फिर उसको सेम ही रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई सिक्स रेशियो फाइव हो जाएगा। अब जो कॉमन वैल्यू है वो सेम हो गई कि जब बी को छह मिलेगा तो सेम टाइम पे ए को कितना मिलेगा फोर मिलेगा और सी को कितना मिलेगा फाइव मिलेगा, यानी कि ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, सी को हम दे देंगे छह तो ए को दे देंगे चार और सेम टाइम पे सी को कितना मिलेंगे पांच मिलेगा। तो जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू क्या करनी पड़ती है सेम करनी पड़ती है ताकि कंपेयर कर सके आसानी से। भाई इसी को तो माध्यम बना के हम कंपेयर कर रहे हैं, बी को माध्यम बना करके कि उसको मैंने इक्वल कर लिया कि जब भाई बी को छह मिलेगा तो उस समय इसको चार मिलेगा इसको पांच मिलेगा, लेकिन अगर बी अलग अलग हो तो फिर आप नहीं कह सकते हो ना कि ए और सी भी सेम रेशियो में होंगे। तो ये होता है सिंपल रेशियो कन्वर्जन ठीक है। इसको आप जेड मेथड से भी कर सकते हो, जेड मेथड में देखो थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ए इज टू बी कितना है भाई टू रेशियो थ्री और बी इज टू सी कितना है आपका सिक्स रेशियो फाइव। तो जेड मेथड में देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, ये ए है और ये क्या है बी है, तो हमेशा बी की वैल्यू बी के नीचे ही रखते हैं।